यद्यपि आम इस देश को नहीं पता चले हिंदुस्तान तुम्हारा आता ही इसको भारत दे रहा है कायदा हिंदुस्तान जिसको इस देश को हिंदुस्तान बनाना है वो भारत के बाहर जाए मोदी से पूछो तो आदमी बचपन से लेकर जवानी से लेकर बुढ़ापे तक बुद्ध के धर्म का विनाश करने के लिए तैयार किया गया है आरएसएस के माध्यम से बुद्ध को नष्ट करने के लिए तैयार किया गया है हमारे ऊपर कोई बमबारी नहीं हुई हमारे ऊपर कोई गोलीबारी नहीं हुई हमारे कोई घर जलाए नहीं गए हमारे कोई लोग मारे नहीं गए बिना किसी मांग के बिना किसी युद्ध के बाबा साहब अम्बेडकर जाते जाते हमें 135 देश का सदस्य बनाए गए 135 देश अंतिम समय तक बाबा साहब के ध्यान में विचार में मन में मस्तिष्क में उनका परिवार नहीं था समाज था चार बच्चे मर गए बाबा साहब के बाबा साहब रोते हुए घर में बैठे नहीं रहे आपके बच्चे ना मरे इसलिए कंटिन्यूसली आपके लिए काम कर रहे थे और इसलिए बाबा साहब जाते जाते हमें बुद्ध की शरण इसलिए लेकर गए कि जिस दिन इस देश का संविधान तुम्हारे पक्ष में खड़ा करना बंद कर दिया जाएगा उस दिन बुद्ध की शरण में चले जाओ ये बुद्ध तुम्हारे लिए खड़ा हो जाएगा और तुम्हारी रक्षा के लिए आ गया है मोदी से पूछो तो आदमी बचपन से लेकर जवानी से लेकर बुढ़ापे तक बुद्ध के धर्म का विनाश करने के लिए तैयार किया गया है आरएसएस के माध्यम से बुद्ध को नष्ट करने के लिए तैयार किया गया है वो प्रदेश में जाकर इसको कहना पड़ता है कि मैं बुद्ध की धरती से आया और अंध भक्तों को बताना चाहूंगा कि भक्तों तुम कह रहे थे कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनेंगे तेरे आका ने भारत को भारत सम्राट अशोक का भारत बना दिया कायदा हिंदुस्तान तुम्हारा आका ही इसको भारत कह रहा है कायदा हिंदुस्तान जिसको इस देश को हिंदुस्तान बनाना है वो भारत के बाहर जाए कोई भी टापू खरीदे और वहां पर जाके अपना हिंदुस्तान बनाए यहाँ पर नहीं चलेगा पत्रकार केसरी का बाबा साहब से कहता है कि बाबा साहब आप अपने लोगों का दिशा भूल कर रहे हो उनको 500 रुपए मिलते हैं सरकार उनको 500 रुपए देती है कि अगर कोई भेड़ बकरी गाय भैंस मर जाए तो उसको साफ करने के 500 रुपए देती है आप आपके लोगों से 500 रुपए छीन रहे हो बाबा साहब ने क्या कहा बताए सरकार से मिलने वाला 500 रुपया और मेरी ओर से 500 रुपया 1000 रुपया देता हूं कल से ये काम तू करना अब तो नया नाम शुरू हो गया हमारे लिए दलित बॉर सुन रहे ना ये नाम आ रहा है अभी दलित बॉर कहां से लाए आप ये नाम क्या आइडेंटिटी बना रहे हो आप लोग इस देश में चमार दलित चमार बौद्ध गलियारा बौद्ध जाधव बौद्ध अगर इस बौद्ध धर्म में जातियां उस समय होती तो बाबा साहब अम्बेडकर बौद्ध धर्म को कभी नहीं अपनाते अगर जातियां उस धर्म में होती तो हम वो जातियां इस धर्म में लेके आ रहे हैं जिस गटर से हम निकल रहे थे वो गटर का पानी यहां पर लेकर आ रहे इस स्वच्छ तालाब में इस बौद्ध धर्म के सागर में महासागर में लेकर आ रहे क्यों आरक्षण चला जाएगा आरक्षण नहीं मिलेगा सीटें कम हो जाएंगी प्रशासन की सीटें कम हो जाएंगी क्या ये सवाल बाबा साहब को पूछा नहीं गया होगा इसका जवाब 15 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब अम्बेडकर जी ने नागपुर में दीक्षा होने के बाद दूसरे दिन बाबा साहब ने दिया बाबा साहब कहते हैं कि आरक्षण मैंने ही तो तुम्हें दिया है ना मैंने ही दिया है मैं ही मांग रहा हूं वापस मैं ही मांग रहा हूं और डरो मत चिंता मत करो अब भी मेरे झोले में बहुत कुछ है डरो मत बहुत बनो और बाबा साहब आगे कहते हैं ये आरक्षण सूरज और चांद रहने तक नहीं रहने वाला यहां महिला यहां पर बैठी हुई है मंगल सूत्र पहनते हो गले में बाबा साहब महिलाओं को उद्देश्य करके क्या कहते हैं तुम्हारा पति ही जिंदा नहीं रहने वाला है तो उसके नाम का मंगल सूत्र क्या पहन के करोगे जब तुमको पता है ये जो लड़का तुम अपनी बच्ची के लिए देख रहे हो 10 दिन के बाद मरने वाला है क्या ऐसे लड़के से अपनी बेटी की शादी करवाओगे जब आपको पता है कि 10 दिन के बाद मरने वाला है उसी तरह से आरक्षण 10 साल के बाद 20 साल के बाद 50 साल के बाद ये भरो
से छीनने वाले हैं, इसके लिए तुम लोग बाहर मातन समाज ढोर रगियाला जाटो ये सारी नाम लगाकर मत रहो, ये मत रहो। क्योंकि बाबा साहब चाहते थे, बाबा साहब जानते थे कि बाहर मातन समाज ढोर जाटो गलियारा ये जातियां हजारों नाम की जातियां लगाकर अगर हम रहे तो गली में भी हमें कोई नहीं पूछेगा, गली में भी नहीं पूछेगा। और अगर हम बौद्ध नाम से इस देश देश में अपनी पहचान कायम करें पूरा बौद्ध विश्व हमारे स्वागत के लिए खड़ा हो जाएगा, ये बाबा साहब जानते थे, बाबा साहब जानते थे। हमारे ऊपर कोई बमबारी नहीं हुई, हमारे ऊपर कोई गोलीबारी नहीं हुई, हमारे कोई घर जलाए नहीं गए, हमारे कोई लोग मारे नहीं गए, बिना किसी मांग के बिना किसी युद्ध के बाबा साहब अम्बेडकर जाते जाते हमें 135 देश का सदस्य बनाया गया, 135 देश। ये सारे देश आपके लिए खड़े हैं, वो आपके लिए आपके मदद के लिए आना चाहते हैं, वो आपको मदद करना चाहते हैं। लेकिन भारत के बाहर बहुत कौन है, मोदी, योगी, अंबानी, देख रहे हो वीडियोस, नीतू अंबानी वहां पर बहुत, हम कौन है, चमार, जाटव, महार। तो बहुत देखते हैं तो समारोह है, समार इनको क्या हम मदद करें, ये तो महार है इनकी क्या हम मदद करें, वो बहुत ढूंढ रहा है। और बहुत कौन है, योगी आदित्यनाथ, बहुत भी नहीं है वो, उसकी किताब लिखी हुई है बुद्धिस्ट मॉन्क, जो भक्ति जी यहां बैठे हैं ना, वो भक्ति जी योगी है विश्व की नजर में, योगी को बना दिया है योगी। नरेंद्र मोदी बुद्धिस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये बाबा साहब की बुद्धिस्ट मूवमेंट में हम लोग इस तरह से काम कर रहे हैं। बहुत लोग शायद मैं जाने के बाद, इसलिए मैं वो पॉइंट क्लियर कर लेता हूँ, बहुत लोगों ने मेरा स्वागत पंचशील की ये पट्टियों से किया, किसी को लगा होगा मैं अपमान कर रहा हूं, मैंने वो जमीन से निकाल के रख दिया। मैं आज 135 कंट्रीज की जो जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर 1950 में 1954 में और 1956 में गए थे, वर्ल्ड विलेज फॉर बुद्धिस्ट, आज 135 देशों का संगठन, इस 135 देशों के संगठन का आज मैं स्टैंडिंग कमेटी सेक्रेटरी पद पे काम भी कर रहा हूं। और ये जो अनावरण से हमें ये पता नहीं है, लेकिन वर्ल्ड के बुद्धिस्ट इस फ्लैग को उनके देश के भी फ्लैग से ऊपर रखते हैं। ये जो फ्लैग है ना धम्मध्वज, इसको उनके देश के भी ध्वज से ऊपर रखते हैं। तो बाबा साहब ने बहुत बड़े हेतु से हमें बहुत बनाया, उसके ऊपर चलना चाहिए। आज हमारे पास 0.6% पॉपुलेशन रजिस्टर हुई है बुद्धिस्टों की, 0.6, एक टका भी नहीं। किस मुंह से हम भारत की बौद्ध नहीं करने की बात कर रहे हैं, किस मुंह से, जब हम 1% भी पॉपुलेशन बौद्ध नहीं दिखा पा रहे। और इसलिए बाबा साहब के बुद्धिस्ट मूवमेंट को अगर इस देश में बढ़ाना, नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।